श्रीखंडम नखचंद्र कांति लहरी निर्व्याजमा बनवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कर्पासमुद्भ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे, हे मूक दुर्गत जनैक दयावनुको, हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कृतमंद मते दयांतरा गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद भागवतामृत सनातन गोस्वामी पाद पूर्ण प्रसंग में विशाल मंगलाचरण जितने भी उपास्य हैं उन सब की वंदना सुविस्तृत रूप में कराए और अंत में दसवें श्लोक में कह रहे हैं समग्र रूप में वंदना करते हुए कि नमः श्री कृष्ण चंद्राय और निरुपाधि कृपा करते यश्री चैतन्य रूपो तन्मन प्रेम रसम कलम। श्री कृष्ण चंद्र को प्राण, चंद्र कहने का तात्पर्य है आनंद देने वाला, चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंद है। तो नमः श्री कृष्ण चंद्राय, जो श्री कृष्ण सब विद्वासियों को सब सबको ही यहां तक के आत्माराम महाकृषि जो है आत्माराम जन जो है उनको भी आनंद करने वाले ऐसे कृष्णचंद्र को प्रणाम है। निरुपाधि कृपा करते हैं, उनकी कृपा किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करती है कि कौन कितना साधन करता है। देवता कर्म सचिव है, भगवान कर्म सचिव नहीं है, वे निरुपाधि है, केवल भाव को देख करके कृपा करते हैं और वस्तु की उपाधि को नहीं देखते हैं कि कौन कितना मुझे समर्पित कर रहा है। भाव के भाव ग्राही जनार्दन होकर के विराजमान, कोई शुद्ध बोले अशुद्ध बोले, कोई वैष्णव स्वाहा कहकर के प्रणाम करे, कोई वैष्णव स्वाहा कहकर के प्रणाम कर ले, तब भी स्वीकार कर लेते हैं। ये व्याकरण भी देखते हैं कि कहां व्याकरण का दोष हो रहा है कहां नहीं हो रहा। तो निरुपाधि कृपा, निरुपाधि रूप में वे कृपा करते हुए विराजमान। उपाधि कहते हैं नैकट्य के द्वारा जो वस्तु का अभिव्यंजक साधन है उसका नाम उपाधि। निकटता के द्वारा किसी वस्तु को जो अभिव्यक्त करे उसका नाम उपाधि। जैसे भीतर आत्मा है परंतु ये शरीर उस आत्मा को अभिव्यक्त कर रहा है निकटता के द्वारा, तो नैकट्य अभिव्यक्ति संस्थान उसका नाम उपाधि। श्री कृष्ण निरुपाधि कृपा करने वाले हैं, बिना उपाधि के कृपा करने वाले हैं, अर्थात बस किसी के भीतर भाव होना चाहिए उस भाव से वे रीझने वाले होकर के विराजमान है। भाव के द्वारा प्रभाव करने वाले, प्रभाव डालने वाले होकर के विराजमान। उपाधि हो उपाधि नहीं भी हो, यदि भाव है तो वे कृपा करते। कोई वाणी से कह रहा है कि नहीं कह रहा है, वाणी हृदय के भाव को व्यक्त करने वाली है पर वाणी का प्रयोग नहीं भी कर रहा है तब भी भाव यदि है तो भी कृपा करने वाले हो जाएंगे, निरुपाधि कृपा। श्री चैतन्य रूपो श्री चैतन्य महाप्रभु तत्वतः कृष्ण ही है जो राधा भाव का आस्वादन कर रहे हैं। राधा द्वितीय और भाव का आस्वादन करते हुए वे विराजमान है, तो कृष्ण ही यो चैतन्य रूप श्री चैतन्य रूप होकर के विराजमान हुए। अर्थात 28वें द्वापर में जो कृष्णचंद्र अवतरित हुए वे ही कृष्णचंद्र आगामी 28वें कलयुग में वे ही कृष्ण चैतन्य होकर के अवतरित होते हैं। कृष्ण चैतन्य अवतार अलग से अवतार नहीं है, वह कृष्ण का ही अवतार है, इसमें उसकी अलग से गिनती नहीं की गई। कृष्ण अवतार के भीतर ही कृष्ण चैतन्य अवतार समाया हुआ है। एक ही इतिहास क्रम में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, एक ही अवतार है। तन मन प्रेम रसम कलम कलम, श्री कृष्ण प्रेम रस के दान करने में बड़े कंजूस रहे, कोई कोई के ऊपर ही उन्होंने प्रेम रस का दान किया। साक्षात कृष्ण कृपा प्राप्त श्रीमद भागवत में दो लोगों का
एक बुचकुंड और एक नाग पत्नी, वो भी यथा कथन इसी तरह से कह दिया गया उनको कृष्ण का अपराध। अन्यथा सब जी की कृपा जो होती है वो संतों के माध्यम से ही होती, परंतु दो जगह चला करके सोते हुए मुचकुंद को जगाया और अपनी कृपा की, और ऐसी नागपत्नी उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा की और सोए हुए नाग को स्वयं जाकर के जगाया, नागपत्नियों को जगाया और उनके ऊपर कृपा की, अपनी चरण में उनको प्रणाम करते हुए विराजमान हो गए। तो निरुपाधि कृपा करने वाले हैं जो चैतन्य होकर के विराजमान हुए, तन्मन प्रेम रसम कलम, ये कलयुग परम परम धन्य है जिसमें श्री भगवान ने श्री कृष्णचंद्र ने प्रेम रस का उन्मुक्त रूप से दान किया। जब राधा भाव द्युत सुमिलित होकर के वे विराजमान हुए उस समय उन्होंने उस प्रेम रस का उन्मुक्त रूप से दान किया। सांवरे की अपेक्षा गोरी ज्यादा कृपालु है, ज्यादा उदार है, इसलिए श्री किशोरी जी के रूप में उस प्रेम रस का सबको दान करते हुए यहां तक के सिंह सर्प व्याघ्र और क्या लता पता इनको भी प्रेम रस का दान करते हुए विराजमान है। ये कलयुग परंपरा धन्य है। अब श्रीमद् भक्ति शास्त्राणाम अयम सारस्य संग्रह, ये श्रीमद् भागवत श्री भागवतामृत यह ग्रंथ संपूर्ण शास्त्रों का सार है भागवत, और भागवत का भी सार है श्री बृहद भागवतामृत। तो जितने भी शास्त्र हैं भक्ति शास्त्र उनके सार का संग्रह है, एक जगह सारा सार एकत्रित कर दिया गया। वास्तव में ये गुण जब आप हम लोग श्रवण करेंगे इस ग्रंथ को तो अपने आप ये बात पता होगी। इस ग्रंथ की विशेषता ये है जितनी बात सुनो उतनी बार नया नया लगे और अद्भुत ग्रंथ। तो श्रीमद् भक्ति शास्त्राणाम अयम सारस्य संग्रह, भक्ति के संपूर्ण शास्त्रों का यह संग्रह है। अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत् प्रिय संगता, इसको श्री चैतन्य देव के पास में रह करके मैंने अनुभव किया। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अनुभूतस्य चैतन्य देवे, श्री चैतन्य देव के श्री चरणारविंद में जब मैंने आत्मसमर्पण किया तो अनुभूतस्य इस ग्रंथ का मैंने जो अनुभव किया तत्प्रिय संगता, श्री महाप्रभु के प्रिय जन्मों के संग के द्वारा अर्थात श्री स्वरूप दामोदर उनके साथ में रहते हुए इस ग्रंथ का मैंने विशेष रूप से आस्वादन प्राप्त किया। श्री हरिदास उनके साथ में रहते हुए मैंने इस ग्रंथ का विशेष रूप से आप अनुभव किया। श्री महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर उनके हाथ में श्री सनातन गोस्वामी जी को सौंपा, श्री सनातन गोस्वामी जी आप श्री हरिदास ठाकुर उनके पास में जाकर के रहे, इतनी दीनता कि स्वयं कभी वर जो जगन्नाथ जी का बड़ा मार्ग है उस मार्ग में सामने होकर के नहीं जाए, द्वार से ही केवल प्रणाम कर ले, जगन्नाथ जी के मंदिर में भीतर नहीं घुसे, इतनी दीनता अपने हृदय में धारण करके श्री रूप सनातन दोनों विराजमान रहे। और स्वयं ने सिद्ध बाबुल वहां पर श्री हरिदास ठाकुर उनके पास में श्री रूप सनातन जितने भी थे विराजमान रहे जगन्नाथपुरी में भी, तो श्री हरिदास ठाकुर उनके साथ में सिद्ध बाबुल में निवास किया, वहां पर निवास करते हुए रहे। और महाप्रभु का भी गुलामी में तो जो मार्ग है राजमार्ग बरगंडी उससे श्री सनातन गोस्वामी जी नहीं जाए बल्कि समुद्र के मार्ग से पैदल चल करके लंबा मार्ग उससे आए, और रेती तप रही है पैर में अकोले भी हो जाए पर फिर भी ये विचार करके कि श्री जगन्नाथ जी के सेवक इस मार्ग से निकलते हैं कहीं ऐसा न हो कि मेरा स्पर्श उनको हो जाए, कहीं सेवा में मैं बाधक नहीं हो जाऊं, कितनी दीनता धारण करके विराजमान। तो कह रहे हैं कि चैतन्य देवे तत्प्रिय संगता,
उनके प्रियजन उनके संग के कारण ही मैंने यह साथ प्राप्त किया और उस साथ का अब मैं तुम्हारे सामने वर्णन कर रहा हूं। गुरु श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। अब बड़े गुसाई जी अब यहां से कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक मंगलाचरण था तो मंगलाचरण भी अद्भुत एक तरह से मंगलाचरण अपने आप में सार है। पूरे ग्रंथ का जो सार है वो मंगलाचरण अपने आप ही है कि सबसे बाद में वंदना कर रहे हैं मथुरा धाम की श्री हरि नाम की। तो साधन साध्य सबका मंगलाचरण में ही निरूपण कर दिया। श्री कृष्ण वंदना, श्री राधा रानी की वंदना, श्री महाप्रभु की वंदना, श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी की, वृंदावन धाम की, गिरिराज जी की, यमुना जी की, इन सब की वंदना करके और अंत में श्री हरि नाम की वंदना। तो पूरा का पूरा जो साधन साध्य तत्व है उसको तो मंगलाचरण में ही वस्तु निर्देश रूप में सनातन गोस्वामी ने वर्णन कर दिया। अब इसी का विस्तार जो सिद्धांत था वो तो कह दिया गया पर तो उसका आगे विस्तार वर्णन कर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रीमंत वैष्णव शास्त्र वेदम भागवतामृत। अरे वैष्णव भागवत के सार रूप इस शास्त्र को आप लोग श्रवण करो। शास्त्र किसको कहते हैं? बोले शासनात् शास्त्र, जो साधकों को उपदेश देते हुए शासन करते हुए विराजमान हो उसका नाम शास्त्र। तो ये एक ऐसा शास्त्र है कि भजन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रायः वैष्णवों की साधकों की एक बड़ी भारी समस्या होती है कि जाने क्या हुआ भजन में आमन नहीं लगता है। वृंदावन में आए थे तब तो ब्राह्मण लगता था परंतु तो अब जब यहां पर आ गए हैं तो अब जाने क्या हो गया अब भजन में मन ही नहीं लगता। तो ये एक आम समस्या है प्राय ये प्रश्न किया जाता है। अब इसका उपाय वैष्णव आचार्य ने जो बताया वो उपाय पांच चीजें हैं। पांच चीजों को अपनाने से ये जो भजन में आने वाली बात है ये दूर हो जाएगी। जैसे कोई रोग है तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए किसमें? डॉक्टर। तो पहली चीज गुरु वैष्णवों में विश्वास। फिर दूसरी चीज डॉक्टर ने जो दवाई दी उसमें भी विश्वास होना चाहिए। दवाई में विश्वास नहीं है नहीं ये दवाई काम नहीं करेगी ये दवाई काम नहीं करेगी ये ऐसा करता रहेगा तो फिर दवाई काम करेगी भी नहीं। तो दूसरी चीज डॉक्टर में विश्वास, पहली चीज डॉक्टर में विश्वास, दूसरी चीज उसने जो दवा दी है उस दवा में भी विश्वास। विश्वास है तो रात की बुर्की वो काम कर जाए और विश्वास नहीं है तो बड़ी से बड़ी भले वो जो संजीवनी औषधि मिल जाए वो भी काम नहीं कर। तो हरे नाम में परम परम विश्वास ये दूसरी बात है। तीसरी चीज यदि रोग हुआ है तो रोग का जो पथ्य बताया गया है उस पथ्य में विश्वास, उस पथ्य का तो सेवन करना है। और कुपथ्य का चौथी चीज कुपथ्य का त्याग करना। डॉक्टर कहे कि तेल खटाई मत खाओ तो मत खाओ, अब तेल खटाई भी खाते जाओगे और दवाई भी लेते जाओगे तो दवाई का प्रभाव डालेगी। तो तीसरी चीज ये है कि जो पथ्य बताया गया है उसको तो करना है और जो कुपथ्य है उसका त्याग करना, इस बात में भी विश्वास। और एक पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि औषधि को लगकर के इलाज पूरा करा। इलाज को बीच में दो दिन तो दवाई खाई उठा करके रख दी तो फिर दवाई पूरा काम नहीं करेगी। इसलिए जो ये पांच जो चीज है ये रोग के लिए भी है और ये भव रोग के लिए भी ये पांच चीज है। संसार के रोग की निवृत्ति करने के लिए भी ये पांच चीजें हैं। इन पांच चीजों को अपनाना पड़ेगा। जो समस्या है वो ये है कि चाहते हैं तुरंत तो चुटकियों में काम हो जाए परंतु रोग यदि क्रॉनिक है भारी हो गया है शरीर के साथ में चिपक गया है तो उस रोग को दूर करने के लिए इलाज भी लंबा चलेगा निरंतर चलेगा। कुछ रोग ऐसे हैं कि उनकी दवाई तो नित्य लेनी ही पड़ेगी। हाइपरटेंशन है तो भाई दवाई लेनी ही लेनी है, ब्लड प्रेशर है तो दवाई तो लेनी है, जिंदगी में खानी दवाई।
तो उसे बचना बचा नहीं, तो संतोष भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, पांच चीज है। तो ये जो हमारी आम समस्या है, जो किसान भजन में पहले मन लगता था, अब भजन में मन नहीं लग रहा है, रोग हो गया है, अब रोग को क्या करना चाहिए, रोग को दूर करने के लिए ये पांच ही बहुत बढ़िया उपाय। और इनके अलावा कोई दूसरा उपाय है? डॉक्टर में भी विश्वास होना चाहिए, औषधि में विश्वास होना चाहिए, कुपथ्य का त्याग करना चाहिए, सुपथ्य का सेवन करना चाहिए, और चिकित्सा में निरंतर निरंतर लगे रहना चाहिए। पांच चीज है तो फिर ये जो कभी कभी रोग जो बार बार उखाड़ आता है, तो वो रोग अपने आप दबेगा। जन्म जन्मांतर के कषाय हैं, इनके कारण भजन में चित्त नहीं लगता है। ठाकुर भी कभी कभी भोग, उद्वेग और व्यवधान, ये तीन चीज प्रदान करते हैं, और इनसे भजन में बाधा पड़ जाती है। रोग उठा क्यों, रोग निकला कौन क्यों, इसके लिए बल्लभाचार्य जी ने एक वस्तु बताई कि तीन चीज ये भजन में बाधक है। सबसे पहला है भोग। कभी कभी भोग में प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है तो उसमें लग जाते हैं भोग में, परंतु भोग दो प्रकार का, कभी ठाकुर की कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला भोग है वो तो भजन में बाधा भी डालेगा, कम बाधा डालेगा और विवेक उत्पन्न करेगा। जैसे प्रियपुत्र महाराज भजन छोड़कर के राज्य संभाल रहे हैं, परंतु उनको जो भोग की प्राप्ति हुई वो उनमें उल्टा और वैराग्य दृढ़ कर रहा है, और एक क्षण में खाक से सब छोड़ करके फिर दोबारा बन में चले गए। तो भोग जो है वो भोग यदि भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला भोग है तो वो भोग भी आसक्ति को दूर कर देगा, भजन को दृढ़ करेगा। भोग किसको दिए, प्रहलाद जी को क्या भोग नहीं मिला, ध्रुव को क्या भोग नहीं मिला, नंद बाबा क्या भोग नहीं कर रहे, जितने भी भक्तगण हैं सभी, जितने भी नृत्य करते हैं वे परम भोग, उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु तो भोग में प्रवृत्ति नहीं है। भोग में प्रवृत्ति यदि कृष्ण कृपा से भी जो भोग प्राप्त हुआ उसमें भी प्रवृत्ति न होना, ये मुख्य बात है भोग। अब दूसरी बात कोई व्यवधान। व्यवधान का तात्पर्य है कि कभी भजन करते करते कोई व्यवधान आ जाए, तो ठाकुर भी कभी विरह को बढ़ाने के लिए व्यवधान उत्पन्न करते हैं, भाई शरीर में रोगी उत्पन्न होंगे, और कभी कभी उद्वेग। उद्वेग का तात्पर्य है विरह प्रदान करके, यथा धनुरत्न धने विनष्टे तच्चिन्त्यान्यं निर्भतो न वेदो, जो वस्तु है वो उद्वेग मन में उत्पन्न हो जाए, भजन का जो आस्वाद आ रहा था उसमें बाधा पड़ी, उसे एकदम व्याकुलता उत्पन्न हुई, और व्याकुलता उत्पन्न होकर के फिर से भजन में व्याकुलता भजन को बढ़ाने वाली हो जाए। तो भगवत कृपा से प्राप्त होने वाला भोग वह यदि कृपा के द्वारा मिला है तो वो भजन में बाधक नहीं होगा, बल्कि भोग की ओर दृष्टि जाएगी ही नहीं, कृष्ण सेवा की ओर दृष्टि जाएगी, भगवत माधुरी के आस्वाद की ओर दृष्टि जाएगी, भोग की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। उद्वेग वह भी कहीं बढ़ाने वाला होगा, और व्यवधान जो आया वह भी कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला होगा। हाँ, ये तीनों चीजें यदि अपनी कमजोरी के कारण आई है तो ये रोग उत्पन्न करने वाली, उस रोग का इलाज करना चाहिए। तीन चीज यदि भगवत कृपा के द्वारा मिली है तो वो तो भजन में अपने आप ही उत्कंठा बढ़ाएंगे, वो तो एक अच्छी बात, परंतु यदि अपने कुपथ्य के कारण ये तीन चीज उत्पन्न हुई है, भोग उद्वेग और व्यवधान, ये अपनी कमजोरी के कारण उत्पन्न हुए हैं, तो इस रोग को दूर करने के लिए साधक को पांच वस्तु अपनानी पड़ेंगी, और वो पहली वस्तु है डॉक्टर में विश्वास, औषधि में विश्वास, कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का सेवन, और इलाज को पूरा करना, अधूरा इलाज नहीं छोड़ना। ये पांच चीजें अपनाई जाएंगे तो भजन की पद्धति पर, तो ये जो भारत का सार है इसको हे वैष्णव तुम सुनो, सुगोप्यं प्रायः प्रेमणा जैन ने जन्म दिया। जैन ऋषि ने
जन्मे जैसे ये गोपनीय सिद्धांत जो कहा उस सिद्धांत का अब हम कब सामने वर्णन कर रहे हैं। बृहदारण्यक की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सबसे उत्तम सर्वोत्तम उपास्य का निर्धारण करता है, सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ का निर्धारण करता है, सर्वोत्तम साधन का निर्धारण करता है और सर्वोत्तम लक्ष्य स्थान उसका निर्धारण करता है। चार चीजों का स्थापन है, सर्वोत्तम उपास्य कौन है, सर्वोत्तम प्रयोजन क्या है, सर्वोत्तम साधन क्या है और सर्वोत्तम प्राप्य स्थान कौन सा है, हमको कहां पहुंचना है, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, हमारा गंतव्य क्या है। इन चारों चीजों को स्थापित करने का अद्भुत ग्रंथ है, परम श्रेष्ठ ग्रंथ। तो सुगोपी जो वस्तु है उसका हम तुम्हारे सामने वर्णन कर रहे हैं। जैमिनी ये श्री जन्मेजय के कुल गुरु हैं और उन्होंने श्री जन्मेजय से जो कहा उसका हम तुम्हारे सामने अब वर्णन कर रहे हैं। यद्य जैमिनी को मीमांसा शास्त्र का कहीं आचार्य कहा गया पर फिर भी श्री जैमिनी उनके द्वारा ये भागवत तत्व उसका ही निरूपण किया गया उसका हम तुम्हारे सामने वर्णन कर रहे हैं। मुनिन्द्राज जैमिनी श्रुत्वा भारताक्षाम मध्वतम परीक्षण नंदनो पृच्छत तत्खिलम श्रवणोत्सुका। एक बार परीक्षित नंदन अर्थात जन्मेजय परीक्षित महाराज के चार पुत्र उत्पन्न हुए, इन चार पुत्रों में जन्मेजय सबसे प्रधान थे। उन जन्मेजय ने बड़े बेटा परीक्षित महाराज के बड़े बेटा श्री जन्मेजय उन जन्मेजय ने महाभारत के आख्यान को जैमिनी ऋषि से सुना था और सुनने के बाद में वे उसके तत्खिलम खिल कहते हैं उसके पीछे के निष्कर्ष भाग जो निष्कर्ष भाग है परिशिष्ट भाग उस परिशिष्ट भाग का नाम है खिल। तो उसके खिल माने परिशिष्ट भाग को उसके निष्कर्ष भाग को श्री जन्मेजय श्रवण करना चाहते हैं। तो जन्मेजय ने अपने कुल पुरोहित श्री जैमिनी से प्रणाम किया। महाभारत सुनने के बाद भागवत का भी श्रवण भागवत का भी प्राप्त आविर्भाव वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा पर उनका मन पसंद नहीं हुआ तब भागवत उन्होंने प्रकट की। इसी तरह से महाभारत को सुनने के बाद में भी श्री जन्मेजय का मन अत्यंत पसंद नहीं हुआ और उन्होंने तब संपूर्ण भागवत के महाभारत के सार को श्रवण करना चाहा अर्थात श्रीमद् भागवत के भी सार को श्रवण करना चाहा। श्री जन्मेजय कह रहे हैं कि न वैशम पाए ना प्राप्तो ब्रह्मन यो भारते रसा तत्तो लब्ध सतक्षेशम मधुरेण समापयो। कि महाराज वैशम पायन ऋषि ने यद्यपि महाभारत के चरित्र का मेरे सामने वर्णन किया था और मैंने महाभारत को सुना है वैशंपायन के जन्मेजय ने वैशंपायन से महाभारत को सुना परंतु महाभारत में भी मुझे जो रस की प्राप्ति नहीं हुई उसका कुछ संकेत प्राप्त हुआ था महाभारत में। अब पत्तो लब्ध उस रस को मैं आपसे प्राप्त करना चाह रहा हूं, मैंने उस रस को आपसे प्राप्त किया है इसलिए आप महाभारत के शेष रूप महाभारत के निचोड़ रूप इस रस का मेरे सामने वर्णन करें क्योंकि भोजन की एक रीति है कि मधुरेण समापे कि भोजन को भी मिठाई के साथ समापन करना चाहिए इसलिए मधुरेण समापे इस पूरे प्रसंग को महाभारत के पूरे प्रसंग को सुना और इसका जो माधुर्य है उस माधुर्य में कि कौन सा सर्वोत्तम उपास्य तत्व है कौन सा प्रयोजन पदार्थ है कौन सा साधन पदार्थ है और कौन सा स्थान हमको पहुंचना है इन चारों का
हमारे सामने आप निष्कर्ष रूप में वर्णन की। श्रीमद भागवत के विषय में भी कहा गया कि अथोयम ब्रह्मसूत्राम भारतार्थ विनिर्णय, ये ब्रह्मसूत्रों का अर्थ है, महाभारत के अर्थों का निर्णय है और ये जितने भी गायत्री भाष्य रूप को सब गायत्री के महाभाष्य रूप होकर के श्री भगवत श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका हमारे सामने आप वर्णन करो। तो ये उसका नाम तद भागवत विषय है। मत्स्य पुराण के वचन है कि अथोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय है गायत्र्या भाष्य रूपो सब इदं भागवतोच्यते। ये महाभागवत की परिभाषा ये भी है कि ये गायत्री का भाष्य रूप होकर के विराजमान है, ब्रह्मसूत्रों का अर्थ है और ये जितने भी महाभारत उस महाभारत का सार रूप होकर के विराजमान, महाभारत का एक भाग है उसका नाम है नारायणी उपाख्यान। नारायणी उपाख्यान में श्री कृष्ण लीला का भी वर्णन किया गया, वो ही श्री महाभारत का पूर्ण पूर्ण सार है और उस सार का भी सार उसमें संकेत मात्र है कृष्ण लीला का महाभारत नारायणी उपाख्यान में। वो महाभारत का एक अंश है, एक चैप्टर है, एक खंड है और उस खंड का भी सार ये श्रीमद् भागवत से होता है। विशेष श्री जैन ने कह रहे हैं कि सुख देशों को देशे नो सुख देवों को देशे नो नेताशेष साध्वसम सम्यक प्राप्त समस्तार्थम श्री कृष्ण प्रेम संपूर्णतम। श्री सुखदेव जी के श्री चरणारविंद की मैं वंदना कर रहा हूं। श्री परीक्षित को सुखदेव जी की कृपा के द्वारा नेताशेष साध्वसम श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हुई, उनका साध्वस माने भय दूर हो गया और सम्यक प्राप्त समस्तार्थम श्री सुखदेव जी गुरुदेव की कृपा से परीक्षित ने सारे अर्थ को प्राप्त कर लिया था और श्री कृष्ण प्रेम संपूर्णता परीक्षित महाराज कृष्ण प्रेम से युक्त हो गए थे। सन्न कृष्ण निजाभीष्ट पाद रोहण कालकम और उस समय श्री परीक्षित महाराज समाधि में विराजमान है और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि विमान आए उसमें बैठ करके अब गोलोक धाम में जाओ। सो सन्न कृष्ण बिल्कुल समय आने वाला है वो कि परीक्षित महाराज अपने प्राणों का त्याग करना चाहे, सुखदेव की उपदेश देकर के चले गए। सुखदेव परीक्षित प्रेम में प्रतृप्त हुए, अब कोई अभिलाषा नहीं है, कोई भय नहीं है कि हर मृत्यु आने वाली है, जरा भी भय नहीं है। और सन्न कृष्ण निजाभीष्ट मन में प्रतीक्षा करें, हाय कब वो समय आए, अभी तक आया क्यों नहीं, ठाकुर कब मुझे अपने चरणों में जल्दी से सेवा सुख प्रदान करेंगे, गोलोक की प्राप्ति कब होगी, कब विमान आए। तो निज अभीष्ट पद मन गोलोक उसमें आरोहण काल कम उस गोलोक में पहुंचने का समय परीक्षित का समय निकट आ रहा है। ऐसे श्रीमद परीक्षितम परीक्षित माने शांत पूर्वक विराजमान है। श्रीमद का तात्पर्य है ब्रह्म भूत होकर के विराजमान, ब्रह्म जैसे ही हो गए, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति जैसे भगवत गीता में कहा गया, ऐसे ही श्रीमद होकर के विराजमान है। अर्थात भीतर का जो स्वरूप है वो भीतर का स्वरूप अब बाहर प्रकट होने वाला ही है। सुखदेव जी ने कृपा करके जो मंजरी स्वरूप दिया है राधा रानी की दासी स्वरूप वो बाहर प्रकट होने वाला है। तो श्रीमद ब्रह्मभूत होकर के विराजमान, ब्रह्मभूत का मतलब है कि दीख नहीं रहा है भले पर तो हो गया है ब्रह्म। ऐसे ही श्रीमद का तात्पर्य है गोपी देह मंजरी देह इनका दीख नहीं रहा है पर तो हो गया है वही स्वरूप। तो विश्व परीक्षित विराजमान है उस समय माता तस्या कृष्ण तत्परा
श्री परीक्षित महाराज की माता उनके पास में आई, जो कृष्ण में ही चित्त लगाए हुए हैं और अत्यंत अत्यंत कृष्ण प्राप्ति के लिए भी आते हैं। विराट तनया विराट राजा की पुत्री हैं श्री उत्तराजी, परीक्षित महाराज की उस समय माता है। अभिमन्यु के साथ में उत्तराजी का विवाह हुआ, उत्तरा अभिमन्यु में फिर परीक्षित का जन्म हुआ। तो उनके पास में विराट तनया अपृच्छत एतन नृपोत्तम, उन परीक्षित महाराज से के पास में इनकी माता आई और माता आकर के परीक्षित से पूछने लगी कि प्रभु ध्यानंदिता तेनो पुत्रेण स्नेह संप्लुता। परीक्षित महाराज को पहले तो क्रोध जगाया कि बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम जाना चाह रहे हो भगवत धाम में, पर मेरा तो कल्याण कर जाओ, ऐसे संबोधन देकर के प्रमोध। श्री माता ने उस समय परीक्षित महाराज से नहीं, श्री परीक्षित महाराज से उस समय पूछा, पुत्र स्नेह संप्लुता, परीक्षित के प्रति स्नेह से युक्त है। उत्तरा कह रही है कि यत सुखेनोपदिष्टम ते बस निष्कृष्य तस्य में, तो बेटा इस समय बहुत थोड़ा समय तेरे पास में है, इसलिए सुखदेव जी ने जो तुझे उपदेश दिया उसका निष्कृष्य, उसको निचोड़ करके, उसका निचोड़ मुझे दे, बस जितना तेरे पास में समय है, ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, जो समय है उसको निष्कृष्य माने निचोड़ करके सार प्रकाश क्षिप्रम, जल्दी से उस सार को मेरे सामने प्रकट कर दे, जैसे क्षीरो मोधे एवं अमृतम, समुद्र को मतने के बाद में जैसे अमृत प्रकट हुआ, इसी प्रकार उस सार को मेरे सामने निकाल करके तू दे। जैमिनी कह रही है कि जब मां ने ऐसा प्रश्न किया तो मां को सवाल कि मां की महिमा को अद्भुत है, मां की महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। ज्ञानी के विषय में कहा गया है कि ज्ञानी पिता को प्रणाम नहीं करेगा, पर तो मां आएगा तो मां का मां को प्रणाम करेगा। ज्ञानी तिरंग जो गंध धारण करने वाले सन्यासी हैं वे किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, पर दो लोगों को प्रणाम करेंगे, एक तो मां को साक्षात प्रणाम करेंगे और एक ठाकुर जी को साक्षात प्रणाम, बाबा की किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, स्वयं गंध रूप है, परंतु दो को प्रणाम वे भी करते। तो मां की महिमा तो इतनी बड़ी है। सोवाच साधारण राजा परीक्षण मातृवत्सला, परीक्षित महाराज मातृवत्सल है, इन्होंने मां को प्रणाम किया और श्रुत्वा दुत गोविंद कथा क्षात रसोत्सुका, श्री गोविंद की कथा